बहुत समय पहले की बात है, नीलगिरी समंदर के भीतर सैकड़ों बरसों से जलपरी लोक बसा हुआ था। जलपरी लोक की रानी थी सितारा। उसकी बेटी इलियाना संपूर्ण जलपरी लोक की सबसे खूबसूरत जलपरी थी, जिसकी नीली आंखें, गुलाबी होठ और दूधिया रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आज वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, हम इस जलपरी लोक से बाहर क्यों नहीं जाते? मुझे समंदर के बाहर की दुनिया देखने का बड़ा मन करता है। क्योंकि हम जलपरियों की दुनिया समंदर के अंदर तक ही सीमित है, बाहर निकलना हमारी जान के लिए खतरा है। कैसा खतरा माँ? समंदर के बाहर स्थलीय मनुष्य रहते हैं, जो हम जलपरियों के ताक में घात लगाए बैठे हैं। ठीक है माँ। इलियाना जलपरी लोक से निकलकर तैरते हुए सुध बुध खोकर बेहद दूर आ जाती है, जहाँ एकदम सन्नाटा था, और तभी चारों ओर ताक कर कहती है, अरे ये मैं कहाँ आ गई? मुझे अंधेरा होने से पहले जलपरी लोक पहुँचना होगा। अचानक इलियाना की नजर एक खंडहर शैतानी गुफा पर जाती है और एक डरावनी आवाज उसके कान में पड़ती है, अंदर आओ शहजादी। इलियाना गुफा की तरफ आकर्षित होकर तैरकर अंदर प्रवेश करती है। तभी समंदर के अंदर जोरदार बवंडर उठता है और सितारा कहती है, ये बवंडर ना जाने कौन से आने वाले तूफान का संकेत है। समंदर में बड़ा बवंडर उठा है, इलियाना जाने कहाँ रह गई। अचानक इलियाना की नजर गुफा के अंदर कैद चुड़ैल जलपरी पर जाती है, जिसके पैने दांत, लाल खूनी आंख और सिंह थे। इलियाना के ऊपर से चुड़ैल का काला माया जाल का आकर्षण टूटता है और वो कहती है, ये कैसी विकट जलपरी है जो इतनी खूंखार प्रतीत हो रही है। एक समय मैं भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत जलपरी थी, पर समय के साथ मेरे रूप का आकर्षण ढल गया। आज से पहले आपको इस समंदर में कभी नहीं देखा, आप किस लोक की जलपरी हैं? वो सब छोड़ो। अरे इतने सुंदर जलपरी के इतने कम केश। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे केस अन्य जलपरियों के जैसे होते ही नहीं, तो क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे केस का अचूक उपाय है। क्या आप मेरे बालों को लंबे कर सकती हैं? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ। चुड़ैल की सही तरीके से पहचान न होने के कारण इलियाना उसके जाल में बुरी तरह से फंसती चली जाती है और चुड़ैल उसे अपने काले जादू से एक इत्र प्रकट करके देते हुई कहती है, ये लो इलियाना, इस सुगंध द्रव्य को हर रात तुम अपने केस में लगाकर सोना। प्रतिदिन के साथ तुम्हारे केस एक हाथ बढ़ते चले जाएंगे और तुम परिलोक की सबसे लंबे बालों वाली खूबसूरत रानी बन जाओगी। शुक्रिया जादुई जलपरी, अब मुझे जाना होगा। इलियाना के जाने के साथ चुड़ैल जलपरी हंसते हुए कहती है, मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जलपरी को मात देना इतना आसान नहीं, एक बार फिर कहर बनकर टूटेगी ये जरूरा बाबेल जलपरी। उस रात इलियाना चुड़ैल जलपरी के दिए सुगंध द्रव्य को अपने केस में लगाकर सो जाती है और हर दिन गुजरने के साथ इलियाना का बर्ताव शैतानी जलपरी में बदलने लगता है, जिसे देख जलपरी लोक की रानी सितारा जलपरी कहती है, इलियाना क्या तुमको स्मरण नहीं कि जलपरी लोक की परियों को खुले बालों की मनाही है? मैं जलपरी हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी खूबसूरती नियमों की मोहताज नहीं। सितारा कक्ष में आकर बैठ जाती है, तभी उसकी सखी शकीना जलपरी वहां आकर कहती है, क्या बात है रानी सितारा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं सकीना, आजकल इलियाना का बर्ताव बड़ा विचित्र जान पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो इसका है, पर आत्मा जरूबा बेल की है। उस छली आतंकी जलपरी का नाम मत लो, तुम्हें याद नहीं उसने कुछ वक्त पहले कैसा कहर बरसाया था? अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कुछ जल पुरुष और जलपरी रानी के पास आकर कहती है, रानी सितारा हमारी मदद कीजिए, जलपरी लोक के निवासियों की जान खतरे में है। आप सभी इतने डरे क्यों लग रही हैं? क्या जलपरी लोक में कोई जलीय जानवर या मानव प्रवेश कर गया है? वो चुड़ैल जरूबा बेल लौट आई है और सबको मार काट रही है। इतना ही नहीं महारानी, आपकी पुत्री इलियाना भी उसके साथ शामिल हो गई है। चुड़ैल जलपरी जरूर बाबेल सितारा के आगे जलपरी की पूंछ काट कर घायल करके पटकती हुई कहती है, जरूर बाबेल अपना बदला कभी नहीं भूलती, मैं लौट आई हूँ।
मरोगे, सब मरोगे। इलियाना होश में आ, शायद इस चुड़ैल जरूरा बेल ने अपने मायावी जादू से इलियाना को अपने जैसा बना दिया है। सितारा, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, तुम इस जलपरी लोक की रानी हो, प्रजा की जान बचाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। मैं क्या करूं शकीना, क्या तुम भूल गई कि एक जलपरी रानी अपनी लोरी की धुन से कैसा भी माया जाल या शैतानी चक्र चाल काटने की शक्ति रखती है। सितारा अपनी बेटी के गले लगकर लोरी गाते हुए कहती, स्वप्न नगरिया कि तू जलपरी है, मैं हूँ तेरी अम्मा, तू मेरी परी है, जाग मेरी रानी निंदिया से जाग। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ रोक इस लोरी की धुन को, मैं तुझे इस बार अपना खेल बिगाड़ने नहीं दूंगी। जरूर बाबेल चुड़ैल के शैतानी चीख से सभी जलपुरुष और जलपरी के कानों से खून बहने लगता है और वो छटपटाकर बेहोश हो जाते हैं और समंदर के जलीय जीव मरने लगते हैं। अचानक इलियाना चुड़ैल जलपरी के शैतानी जादू से बाहर निकल जाती है और सितारा अपनी जादू की छड़ी से जरूबाबेल को एक पिंजरे में कैद करके कहती है, माँ आपने इस जलपरी को पिंजरे में कैद क्यों किया? इलियाना, ये एक साधारण जलपरी नहीं बल्कि एक मायावी चुड़ैल जलपरी है, देख इसके अश्क रूप को मायावी है, ये यक्षिणी से कम नहीं है। परीलोक में रहने वाली जरूबाबेल एक मायावी जलपरी थी जो अपनी जलपरी जादू का गलत प्रयोग करके समंदर के जीवों को मार दिया करती, तो कभी जलपुरुष जलपरियों के साथ भद्दा मजाक किया करती। सितारा रानी उसको चेतावनी देकर कहती है, जरूबाबेल तुम एक जलपरी हो, क्या तुम्हें अपने दायरे नहीं पता? एक जलपरी लोगों के जीवन का कारण बनती है ना कि उसकी मृत्यु का। ऐसा भी क्या अपराध कर दिया मैंने महारानी जो आप मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रही हैं? तुम अपने मनोरंजन के लिए समंदर के कितने जलीय जीवों की निर्मम हत्या करती हो, अगर दोबारा तुमने इस घिनौने अपराध को दोहराया तो जलपरी लोक से निष्कासित होगी। सभा में हुई बेइज्जती के कारण जरूबाबेल बौखला कर कहती है, ये सितारा जलपरी लोक की रानी अपने ताज पर ज्यादा ही इतराती है, इसे मजा चखाना पड़ेगा। बदले की भावना लिए वो चोरी छिपे अपने जादू से तंत्र विद्या सीखना और जलपरियों की बलि देना शुरू कर देती है और एक शक्तिशाली जादूगरनी बनकर पूरे जलपरी लोक में कहर बनकर टूट पड़ती है, जिसे देखकर सितारा और शकीना मिलकर उसका सामना करके कहते हैं, तो जैसे मायावी जलपरी जलपरी लोक के लिए श्राप है। सितारा, शकीना जरूबाबेल की पूछ काट डालती हैं और जरूबाबेल कहती है, तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, कुछ ही पलों में मैं चुड़ैल बन जाऊंगी और ऐसा कहर मचाऊंगी कि रूह कांप उठेगी। उसके कहर से बचने के लिए हमने उसके साथ शव को जलपरी लोक से दूर उस खंडहर में कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे प्रवेश के कारण वो चक्र और ये चुड़ैल जलपरी कहर बनकर फिर से लौट आई है। अब आगे क्या होगा? ये अमृत प्याला है जिसके स्पर्श से एक जलपरी सैकड़ों वर्ष के लिए अमरता प्राप्त करती है, लेकिन ये अमृत इस चुड़ैल जलपरी के लिए एक विष के समान काम करेगी, जैसे ही इसकी बूंदें उस चुड़ैल के ऊपर पड़ेंगी ये जलकर राख हो जाएगी। बूंदों के पड़ते ही चुड़ैल जलपरी का शरीर जलने लगता है और वो जलकर कहती है, आ, 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 चुड़ैल हूँ मैं, जरूबाबेल हूँ मैं, याद रखना कहर बनकर फिर से टूटूंगी। चुड़ैल जलपरी के खात्मे के बाद पुनः जलपरी लोक में शांति की लहर छा जाती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। तीन चुड़ैलों का ससुराल। पापा जी, आपके सर का दर्द कम हुआ? हाँ बेटा, अब ठीक है पहले से। माँ जी, आपका और पैर दबा दूं, कुछ आराम पड़ा आपको? जब से तुम तीनों मुझे मिली हो तो आराम ही आराम है और दिल में सुकून है। माँ, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, ये लीजिए अदरक वाली चाय पीजिए, किसी काढ़े से कम नहीं है, आप दोनों को आराम मिलेगा। लो माँ जी, आ गई मेरी बहन चांदनी गर्मा गर्म चाय लेकर, अब इसे पी लीजिए। जरूर जरूर, मेरी बहू ने दी है, पीऊंगी तो जरूर ही। ये लीजिए माँ जी। पापा जी, ओए चांदनी की बच्ची, मैं भी तेरी बहन हूँ, हम दोनों की चाय कहाँ है? तुम दोनों की चाय अभी मैं बनाऊंगी, ये तो सिर्फ माँ जी और पापा जी के लिए स्पेशल बनाई थी। देखा माँ जी, आपकी ये बहू आपको कितना प्यार कर रही है। अरे सिर्फ यही नहीं, मैं अभी आप दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा अच्छा बच्चों, लड़ो मत, आओ अपने पापा जी के गले लग जाओ। ये सुनकर खुशी से तीनों चुड़ैल अपने सास ससुर से लिपट जाती हैं। आखिर ये क्या माजरा था,
तीन चुड़ैल अपने सास ससुर के गले कैसे लग सकती थी। आमतौर पर इंसान भी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करते। आखिर इन मरी हुई चुड़ैलों को ये सास ससुर क्यों पसंद करते हैं और उसके साथ क्यों रहते हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा। एक समय पहले अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी सविता की तीन बेटियों से कराई थी। वो तीनों बहुत सर्वगुण संपन्न, सुशील, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां थीं, जिससे पैसे ऐंठने के चक्कर में अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी कराई थी। कुछ समय सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे अनुराधा उन तीनों लोगों को अपने पाँव की जूती में गिरा देती है, उन्हें टॉर्चर करती है। ऐसे ही एक शाम, अरे तीनों की तीनों बहनें कहाँ मर गई, मेरा सर फट रहा है, मेरी बनारसी साड़ी भी नहीं हुई और मेरा कमरा इतना गंदा पड़ा है, कौन करेगा ये सब। अरे माँ जी, बस अभी जा ही रहे थे, रसोई में खाना बना रहे थे। तीनों को गैस पर चढ़ना जरूरी है क्या, तुम में से एक खाना नहीं बना सकती है, एक सफाई कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा वह सोने का हार कहाँ है जो तेरी माँ ने दिया था। माँ जी, वो हार तो हमने माँ को वापस कर दिया था, क्योंकि हम इतने बड़े हार का क्या करते, वह गले से बहुत लटक रहा था। क्या करने का मतलब क्या है, अरे मैं पहन लेती, कभी तुम शादी में पहनती, देखो बहुत हो गया। अपने माँ बाप से 50 लाख रुपए मांगो, कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे, कोई बंगला लेना है कि नहीं। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं, मेरी माँ ने हम तीनों की शादी में इतना लगाया है और इतना दिया है कि आपको दोबारा से 50 लाख लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप क्यों मांग रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे जुबान लड़ाएगी, सीधी सी बात है, मैं इस घर में नहीं रह सकती और अगर तुम 50 लाख रुपए नहीं ला सकती हो तो तुम तीनों को घर से निकाल दूंगी। माँ जी दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है, फिर भी मेरी माँ ने आपके कहने पर दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि हम तीनों खुश रहें। तुम्हारा मतलब क्या है चारू, मैं तुम्हें खुश नहीं रखता या माँ तुमसे बहुत ज्यादा सारा काम करवाती है। मतलब वही है जो आपने सुना, हम 50 लाख तो और नहीं ला सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से और मुझसे इस तरह से बात करने की। जीजा जी, आप दीदी से कैसे बात कर रहे हैं, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, फिर गवार वाली बातें क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा पति नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए इतना बन रही हो, वरना वो तुम्हारी अभी खाल उधेड़ देता। कल तुम तीनों बहनों ने मिलकर यहाँ 50 लाख रुपए टेबल पर नहीं रखे तो तुम तीनों इस घर से विदा हो जाओगी। देख ले कैसे जुबान चल रही है, एक को देखकर दूसरे की। अगले दिन तीनों बहनों में से कोई भी उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देता है। ये देखकर तीनों बेटे और सास अनुराधा भड़क जाती है, जिससे वो कहते हैं, आखिर तुम तीनों में से किसी ने भी यहाँ पैसे नहीं रखे ना, अब तुम्हें बताना पड़ेगा बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़कियों। बेटा मैं तेरी और शादी करा दूंगी, इनसे काफी दहेज बटोर लिया, फिलहाल तो इन्हें जला कर मार डाल। ठीक है माँ, अब इनका हम करेंगे स्वाहा। मयंक जी आप क्या कह रहे हैं, आप जानते भी हैं अपनी पत्नी को मारने की कह रहे हैं आप। हाँ हाँ अच्छे से जानता हूँ, मैंने जो बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तभी तीनों भाई तीनों को रसोई में घसीट कर ले जाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और सास जलती हुई लकड़ी लेकर कहती है, मेरी प्यारी त्रिदेव बहुओं, मेरा सफर तुम्हारे साथ बस यहीं तक था, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। माँ जी आप बहुत गलत कर रही हैं, इसका भुगतान आपको करना होगा। जा जा आई बड़ा भुगतान करने वाली। ये बोलते ही अनुराधा जली लकड़ी को तीनों पर फेंक देती है, जिससे तीनों चीखते चिल्लाते हुए जलकर मर जाती हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन तीनों बहनों की आत्मा यूं ही भटकती रहती है। वो तीनों बहनें उनसे अपना बदला लेने जाती भी हैं, तो एक ट्रक वाला उन चारों को मार डालता है। देखा, हमारा बदला लेने से पहले ही भगवान ने हमारे साथ इंसाफ कर दिया और ये लोग इस हादसे में ही मर गए। हाँ बहन, पर अब हमारा क्या होगा। 5 दिन बीत जाते हैं, तीनों बहनें सड़क पर देखती हैं कि एक बहू बेटे अपनी माँ बाप यशोदा और गोपाला को घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं और उनका सामान भी फेंक देते हैं। अरे बेटा हमारे साथ ऐसा मत करो, हम एक कोने में चुपचाप रह लेंगे, पर हमें घर से बेघर मत करो। हाँ बेटा हम इस उम्र में कहाँ भटकेंगे, कहीं भी जाइए हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी चैन की जिंदगी जीने दीजिए। धक्का मारकर उनकी बहू वहाँ से चली जाती है। तभी तीनों चुड़ैले उन दोनों वृद्धों को संभाल लेती हैं। शुक्रिया बेटा तुमने मुझे बचा लिया। चुड़ैल। अरे माँ जी डरिए मत, हम बुरी चुड़ैले नहीं है। हाँ आपकी उन बहू बेटों ने ठुकरा दिया तो क्या हुआ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ माँ जी पापा जी, क्या हम आपको अपने पापा जी कह सकते हैं, हमारे पापा नहीं थे ना। पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। क्योंकि पापा जी माँ जी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, चलिए अब। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन दोनों दंपत्ति को घर से ले जाती हैं
और अपने हाथों से उन दोनों के पैर धोती हैं, तो एक उनका सामान सजाती है, तीसरी खाना लाकर कहती है, माँ जी पापा जी आपने कुछ खाया नहीं होगा बहुत देर से, इसलिए ये लीजिए खाना खा लीजिए। शुक्रिया बच्चों, काश तुम्हारे जैसी सर्वगुणी संपन्न बहू मुझे भी मिलती, पर हम दोनों बूढ़े दंपत्ति की ऐसी किस्मत कहाँ। अरे माँ जी आप ऐसा मत कहिए, हम तीनों ने तो आपको अपना सास ससुर या माता पिता के रूप में अपना लिया है, शायद आपकी सेवा करके ही हमारा भला हो जाए। तुम बहुत अच्छी बहुएं हो मेरी। ऐसे ही वक्त बीतता है, तीनों चुड़ैले उनका बहुत प्यार से ख्याल रखती हैं, हर वक्त उनकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन चारू पुष्पा चुड़ैल उनका सिर और पैर दबा रही थी, तभी चांदनी उन्हें चाय बनाकर पिलाती है जिसकी वो तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ बहू, तुम बच्चियाँ बहुत प्यारी हो, पर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? हाँ बच्चों, तुम्हें किसने मारा? हमारी किस्मत बुरी थी जो हमने उन तीनों से शादी कर ली। ये कहते ही पुष्पा चुड़ैल अपनी बीती सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर दोनों बूढ़े दंपति रोने लगते हैं। अरे आप रोने क्यों लग गए, कुछ गलत कहा? अरे नहीं, मेरी बच्चियों ने इतना सहा, भगवान ने उन चारों को उनकी सही सजा दी, उन्होंने इसलिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया। हम तुम्हें पाकर धन्य हैं, तो अब से तुम तीनों का यही ससुराल है और मायका भी। आ जाओ बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। तभी तीनों चुड़ैलें उसके गले लग जाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पांच सरकारी नौकरी करने वाली चुड़ैल बहुए। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर पांच चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने पांचों पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी, तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैले कहती हैं, ओफो माँ जी 7 बज गए, मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है, बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम जूस तो पी लो, पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ, रेडी हो जाऊँ। आहा, अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है, हम दोनों ऐसे एंड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है, और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो, जाओ तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैले बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और पांचवी बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी कैसे लग रहे हैं हम पांचों आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी, मेरी प्यारी लाडली बहू है सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम पांचों से डर जाएंगे, अपना रूप बदल लो। हाँ हाँ अभी बदल लेते हैं। पांचों चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था, कौन थे ये पांच सरकारी नौकरी वाली चुड़ैले जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थी? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था, ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ इन पांचों सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के पांच बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। पांचों पति अपने पांचों पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे, वहीं सास भी अपनी पांचों बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता तेरे घर में 5-5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली, इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को, पांचों बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है, इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर,
मेहनती हैं मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं, तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं, उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी पांच बहुएं कमी नहीं होने देती थी और दफ्तर से आकर काम भी करती थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में पांचों का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गए, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। पांचों एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी पांचों बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। ये सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। पांचों बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर पांच बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हम से रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई, अब हम पांचों को ही फिर से इस घर को चलाना होगा, क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम पांचों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह पांचों चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी आईपीएस ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा भी ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्र लेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुना है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रहे सारे प्रूफ, गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्र लेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और पांचवी छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश,
जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह पांचों चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं, वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं के बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी, तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है, जहाँ वो डूब नहीं सकती। जी अब अच्छा अच्छा सोचिए। माँ जी और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्र लेखा के ये कहते ही पांचों पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है, तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी, ये सब क्या है? ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं, जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम पांचों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू तुम पांचों ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर पांचों सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं। बस के अंदर सभी पैसेंजर सो रहे थे, तभी बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके बाद बस एक काठियावाड़ी बस स्टॉप पर जाकर एक जोरदार धक्के के साथ अचानक से रुक जाती है। सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, अरे पागल हो गया है क्या, बस चलानी नहीं आती, अब इतनी रात में इस बस को ठीक करने कौन आएगा? आप सभी लोग शांति बनाए रखें, हम अभी देखते हैं कि क्या खराबी हुई है बस के अंदर। देखते ही देखते ड्राइवर को बस ठीक करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद बस के अंदर बैठा हुआ कुणाल नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बस से उतरकर ड्राइवर के पास जाकर उससे कहता है, अरे ओ ड्राइवर साहब कितनी देर लगेगी इस बस को ठीक होने में? आप जरा शांति बनाए रखिए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर कुणाल बस में दोबारा से चढ़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं और आधी रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन कुणाल हेडफोन लगाकर गाने सुनते सुनते बस की खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। तभी उसकी आंखों के सामने से एक अजीब काला साया गुजरता है, जिसे देखते ही कुणाल डर जाता है। ये क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की काली परछाई सामने से आई हो, कहीं मेरे मन का कोई वहम तो नहीं है। तभी कुणाल को ऐसा महसूस होता है जैसे बस के ऊपर कोई चल रहा हो। कुणाल बस के अंदर सोए हुए सभी पैसेंजर्स को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। तभी बस की छत को चीरते हुए एक भयानक चुड़ैल और एक भयानक भूत बस के अंदर घुस जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बस स्टैंड पर बस रोकने की, अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चुड़ैल और भूत कुणाल को पकड़ते हैं और उसे मार कर खाने लगते हैं। तभी अचानक से कुणाल नींद से जागता है, उसका चेहरा पूरे पसीने से भीगा होता है। वह तुरंत अपना पसीना पोंछता है और आसपास लोगों को देखने लगता है। हे भगवान कितना बुरा सपना था, भगवान ऐसा सपना फिर दोबारा ना आए। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है। जिस बस स्टॉप पर बस रुकती है वह काठियावाड़ी बस स्टॉप होता है। काठियावाड़ी नाम पढ़ते ही कुणाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह ड्राइवर के पास जाकर उनसे कहता है, इस बस स्टॉप पर गाड़ी मत रोको, ये बस स्टॉप ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो साहब, ये तो काठियावाड़ी बस स्टॉप है,
बस हमें थोड़ा सा पेट्रोल बस के अंदर भरना है, उसके बाद हम यहाँ से चल रहे हैं। कुणाल के कई बार समझाने के बाद भी ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और बस से उतरकर बस के अंदर पेट्रोल भरने लगता है। तभी उस बस स्टॉप पर जोर जोर से म्यूट और चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर बस के सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल अपने मन ही मन कहता है, हे भगवान, कोई नहीं बचेगा, अब वो भूत और चुड़ैल सबको मार देंगे और मुझे भी। तभी भूत बाहर ही ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल मिलकर बस के अंदर चढ़ जाते हैं और एक एक करके बस के सभी पैसेंजर्स को मारने लगते हैं। अरे भागो रे, भागो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, नहीं तो ये भूत और चुड़ैल हम सभी को मार देंगे। पूरी बस में भगदड़ मच जाती है और बेचारा कुणाल पीछे की सीट पर जाकर छुप जाता है और बस के सभी पैसेंजर्स को मारने के बाद वह भूत और चुड़ैल आपस में बात करने लगते हैं। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना बदला सभी से लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जरा बस में देखो, कोई बचा तो नहीं है। भूत और चुड़ैल बस में अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि कुणाल अपने शरीर पर खून लगाकर मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिसके बाद वह दोनों उसे पहचान ही नहीं पाते और कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाते हैं। कुणाल सुबह तक बस में ऐसे ही मरने की एक्टिंग करता रहता है। जैसे ही सुबह होती है, वहां से भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कुणाल बस से उतरकर पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें भूत और चुड़ैल की रिपोर्ट लिखाता है। साहब, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी और उसके साथ एक बहुत ही भयानक भूत भी था। उन दोनों ने मिलकर बस के सभी लोगों को मार दिया। कुणाल की बात सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे तू पागल हो गया है क्या, ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होते। नहीं नहीं, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, उस कठियाबाड़ी बस स्टॉप पर भूत और चुड़ैल है जो लोगों को मार रहे हैं। पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद पुलिस वाले उसे वहां से निकाल देते हैं। वो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बेहोश दिखाई देता है, जिसके बाद कुणाल उसको पानी पिलाता है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी को होश आता है, वो कुणाल से कहता है, बेटा तुम लोगों की मदद करते हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस राह पर तुम निकल रहे हो वो बहुत ही कठिनाई से भरी हुई है। अगर तुम्हें उस भूत और चुड़ैल को वहां से भगाना है तो तुम्हें लीलावती के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। कुणाल ये सुनकर अचंभित रह जाता है कि उस बूढ़े आदमी को उसकी परेशानी के बारे में कैसे पता चला। तभी वो उससे पूछता है, बाबा आप मुझे कैसे जानते हो और ये लीलावती कौन है? मैं सब जानता हूँ, लीलावती एक बहुत ही अद्भुत औरत है जिसके पास दैविक शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से निकल जाते हैं और कुणाल लीलावती को ढूंढते हुए एक छोटे से गांव में पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक लीलावती की छोटी सी बस्ती मिलती है। वह लीलावती के पास पहुँच कर उसे कहता है, वहाँ पर एक बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल है कठियाबाड़ी बस स्टॉप पर। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब इसके बाद और कोई भी मारा जाए। काठियावाड़ी बस स्टॉप, मैं जानती हूँ उन दोनों के बारे में। क्या आप उस भूत और चुड़ैल के बारे में जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, ये कुछ समय पहले की बात है। एक दिन एक स्वरागिनी नाम की लड़की उस बस स्टॉप पर रात के 3 बजे खड़ी हुई थी। दरअसल उसके घर पर बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई, जिस कारणवश उस लड़की को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। वो बेचारी सहमी हुई उस बस स्टैंड पर खड़ी थी। रात के समय कुछ गुंडे उसे आकर छेड़ने लगे। वहां से कई सारी बसें गुजरती रही, लेकिन किसी ने भी बस रोक कर इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई उसे उन गुंडों से बचा सके। तभी वहां पर एक रोहित नाम का लड़का अपनी बाइक लेकर गुजर रहा था। उसने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सभी गुंडों ने मिलकर रोहित को भी मार दिया। वहीं दूसरी तरफ उन गुंडों ने स्वरागिनी के साथ बहुत बुरा किया और उसे खूब मारा पीटा, जिसके बाद एक लड़के ने उसका गला घोटकर उसे जान से मार दिया। तब से ही वो दोनों अपनी मौत का बदला वहां की गुजरने वाली हर एक बस से लेते हैं।
बहुत बुरा हुआ उन दोनों के साथ, लेकिन वो बेवजह ही बेकसूर लोगों की जान ले रही हैं, उन्हें रोकना होगा। कुणाल की बात सुनकर लीलावती उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद रात के ठीक 3 बजे लीलावती काठियावाड़ी बस स्टॉप पर एक विधि शुरू करती है, जिसके बाद वे दोनों वहाँ प्रकट हो जाते हैं और लीलावती से कहने लगते हैं, लीलावती तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस भूतिया बस स्टॉप पर आने की? लीलावती यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। भूत और चुड़ैल लीलावती को कई तरीके से परेशान करते हैं और उसके यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीलावती अपने यज्ञ को पूरा करने में लगी रहती है और आखिर में वो जैसे ही यज्ञ को आहुति देती है वो दोनों आग की चपेट में जलने लगते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। चुड़ैल बसंती के छोले कुलचे। आशीष नगर में बसंती अपनी माँ रानी और अपने पिता रघुनंदन के साथ बाजार से घर की तरफ जा रही थी कि तभी रघुनंदन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रघुनंदन की मौत हो जाती है। एक तरफ तो रघुनंदन की मौत एक्सीडेंट में होती है, तो वहीं दूसरी तरफ चक्कर खाकर रानी बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से रानी के सर में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। ये देख बसंती दौड़ती हुई अपने माँ बाबा को हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो बसंती की माँ रानी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बसंती अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ समय बाद बसंती अपनी माँ रानी को घर ले आती है। उसकी माँ कोमा में चली जाती है। अपनी माँ को कोमा में देख बसंती रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, ये मेरी किस्मत में तूने क्या लिख दिया। एक तरफ तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ यूं इस तरह बेड पर कोमे में पड़ी हुई है। अब मैं उनका इलाज कैसे करवाऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूँ। इतना कहकर बसंती फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी मंदिर के पास उसको एक गुल्लक दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस गुल्लक के पास जाती है और उस गुल्लक को फोड़ देती है। उस गुल्लक को फोड़ने के बाद उसमें से कुछ पैसे निकलते हैं। ये देख बसंती सोचते हुए खुद से बोलती है, आखिर मैं इन पैसों से अपना कौन सा कारोबार शुरू करूं, जिससे मुझे ज्यादा पैसा भी मिल जाए और मेरी माँ भी ठीक हो जाए। वो खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, छोले कुलचे ले लो गर्मा गर्म, छोले कुलचे माँ के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट छोले कुलचे, एक बार खाओगे खाते ही रह जाओगे। उस छोले कुलचे वाले को देख बसंती सोचती है, क्यों ना मैं छोले कुलचे का ही कारोबार शुरू कर लूं, क्या पता मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए। इतना कहकर बसंती छोले कुलचे का सामान ले आती है और अगले दिन से वो छोले कुलचे बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान वहां पर जम जाती है और उसकी बिक्री काफी अच्छे से होने लगती है। उसी के सामने कांचा नाम के एक आदमी की भी दुकान थी। लोग कांचा की दुकान पर ना जाकर बसंती के ठेले पर जाया करते और उसी के छोले कुलचे खाया करते हैं। ये देख कांचा खुद से बोलता है, जब से ये यहाँ पर आई है तब से मेरे दुकान की तो बिक्री ही बंद हो गई है। इस बसंती को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने इसको कोई सबक नहीं सिखाया तो शायद ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि बसंती के पास एक भागा भागा छोटा बच्चा आता है और उससे बोलता है, अरे बसंती दीदी, आपकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए आपको जल्दी मेरे साथ घर पर चलना होगा। अपनी माँ की तबीयत खराब सुनकर बसंती को कुछ समझ नहीं आता और वो रोने लगती है कि तभी उसकी नजर कांचा की दुकान पर पड़ती है और वो अपने ठेले की देखभाल के लिए कांचा को बोलती है, कांचा भैया, मेरी माँ की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और इसलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे इस ठेले की देखभाल करोगे? हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ठेले की देखभाल जरूर करूँगा। बसंती उसका धन्यवाद देकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है और अब कांचा को उसका ठेला उजाड़ने का एक मौका मिल गया। उसके ठेले की तरफ देखता हुआ कांचा खुद से बोलता है, अब तो लाठी भी मेरे पास है और सांप भी मेरे पास है, इससे मैं सांप को भी मार दूंगा और मेरी लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे इस बसंती से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसके छोले कुलचे में कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इतना कहकर कांचा बसंती के छोले में जहर डाल देता है
और जब बसंती वापस आती है और अपने छोले कुलचे को बेचती है तब उसके छोले कुलचे से कुछ लोग मर जाते हैं। ये सब जानने के बाद सभी गांव वाले बसंती के पास आते हैं और उसको खूब मारते हैं। अचानक ही एक औरत उसको इस कदर धक्का दे देती है कि बसंती का सर सीधा लोहे की रॉड में जा लगता है और इस तरह बसंती की मौत हो जाती है। उसको मरा हुआ लोग रोड पर ही छोड़कर चले जाते हैं कि तभी बसंती के शरीर में से बसंती की आत्मा बाहर आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है, कांचा कांचा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, एक बार बस मेरी माँ ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और अगली सुबह एक मामूली सी लड़की बनकर बसंती के ठेले को चलाने लगती है। देखते ही देखते अब वो बहुत सारा पैसा कमा लेती है जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी माँ का इलाज करवाती है। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उन 3 महीनों में बसंती चुड़ैल अपनी माँ को ठीक करवा देती है। और एक दिन जब बसंती मामूली इंसान बनकर छोले कुलचे बेच रही थी तब उसके सामने कांचा आता है और कांचा को देख बसंती अचानक ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है और हवा में उड़ते हुए अपने हाथों को लंबे कर कांचा की गर्दन पकड़ते हुए उसको हवा में उड़ा देती है और वो चिल्लाकर कांचा से बोलती है, अब तो नहीं बचेगा, तूने जिस तरह मुझे मरवाया उससे भी बदतर मौत मैं तुझे दूंगी। कौन है तू और मुझे इस तरह क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और कांचा की इस तरह भिड़ंत को देख वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन दोनों की बहस को देख उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, आखिर तुम कौन हो और इस कांचा भैया को क्यों मार रही हो? ये तो तुम लोग इस कांचा से ही पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अरे गांव वाले भैया मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तो इसको सच बताएगा या नहीं? बताता हूँ। गांव वाले उस दिन जब तुम लोगों ने बसंती को मारा था तो उसके छोले में इसने मिलावट नहीं की थी, बल्कि मैंने ही उसके छोले में जहर मिला दिया था, क्योंकि ये मेरी दुकान को चलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने इसको जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये वापस आ गई और अब ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। उसकी ये बात सुनकर गाँव वालों को गुस्सा आता है और गाँव वाले कांचा से बोलते हैं, तुम जैसे कायर इंसान को तो मर ही जाना चाहिए जो अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करे। चुड़ैल बहन तुम इसको खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कांचा को एक भयानक मौत दे देती है और सभी लोगों से कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी माँ भी ठीक हो गई, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे जैसे इस गाँव में किसी के भी साथ गलत हुआ तो मैं इस बार फिर वापस आऊँगी और उनको अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है, जिसके बाद बसंती के छोले कुलचे उसकी मां रानी बेचना शुरू कर देती है।